फिरोजाबाद से थाना पछोखरा से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद थाना पछोखरा पुलिस और एसओजी सर्विलांस ने कार्रवाई करते हुए अंतरजनपदीय वाहन चोर गैंग के चार छात्र चोरों को किया गिरफ्तार। कब्जे से विभिन्न कंपनियों की चोरी की गई 11 मोटरसाइकिल बरामद। अभियुक्त छात्र किस्म के अंतर्राज्यीय अपराधी हैं, जो कई राज्यों से करते हैं दोपहिया वाहनों की चोरी। अधिकतर बड़े दोपहिया वाहनों को बनाते हैं निशाना। गैंग के कुछ सदस्य इंजन व चेसिस नंबर बदलने में माहिर, चोरी की बात हटा देते हैं मोटरसाइकिल के नंबर प्लेट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ल और एएसपी सिटी मुकेश चंद मिश्र, सीओ सिटी हरि मोहन ने एएसपी सिटी कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर किया खुलासा। साथ ही साथ मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि चोर लुटेरों के विरुद्ध चलाए जा रहे विभिन्न अभियान में दिनांक 16/9/2021 को रात्रि को एसएलजी सर्विलांस व थाना पछोखरा थाना अध्यक्ष रविन्द्र कुमार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चार मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। अभियुक्तों की निशानदेही पर देवखेड़ा रोड पर खाली पड़े मकान से 7 अन्य मोटरसाइकिल भी बरामद की गई हैं, जिन्हें अभियुक्तों द्वारा बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना पछोखरा पर अभियोग पंजीकृत अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। पूछताछ के दौरान अभियुक्त गौरव ने बताया कि ये सभी मोटरसाइकिल चोरी की हैं। हम मोटरसाइकिल चोरी करके उनके नंबर प्लेट बदल देते हैं और इन्हें कम कीमत पर राह चलते लोगों को बेच देते हैं। जो रकम मिलती है उसे आपस में बांट लेते हैं। ये मोटरसाइकिल अलग अलग जनपदों व अन्य राज्यों से चोरी की हुई हैं। तथा अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने में थाना पछोखरा पर पूर्व में तैनात रहे आरक्षी दलवीर सिंह, आरक्षी सुरेंद्र सिंह व समय तैनात आरक्षी प्रवीण ने हमारा परिचय होने की वजह से हम लोग लाभ का लालच लेकर इनके माध्यम से मोटरसाइकिल बेचते थे। ये मोटरसाइकिल चोरों का एक गैंग पकड़ा गया है। आप देख रहे होंगे कि मोटरसाइकिलें एक दो इतनी ज़्यादा संख्या में हैं भी, आदमी अब साइकिल कम यूज़ कर रहा है, मोटरसाइकिल अधिक यूज़ कर रहा है, तो ज़्यादा संख्या में हैं। तो ये अस्पताल के सामने, सिनेमा हॉल के सामने, सराफा मार्केट में, मंदिरों में ज़्यादातर ये लोग मोटरसाइकिलें पार कर देते हैं। ये चार लोग पकड़े गए हैं आपके सामने, गौतम, संतोष, राहुल और रजत। इनसे 11 गाड़ियाँ बरामद हैं। अभी और भी बरामद होंगी, उसमें से चार तो कनेक्ट हो गई हैं जो चोरी हुई हैं। एक अदमादपुर आगरा से, एक जयपुर राजस्थान से, दूसरी जयपुर राजस्थान से, तीसरी नोएडा से। ये चार कनेक्ट हैं, 7 हमारे पास हैं और अभी और बरामद होंगी। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि चिनाइती चैन की तब बंद होगी जब सोनार पकड़े जाएंगे जो खरीदते हैं, या जो चोरी के सोना खरीदते हैं वो उनको पकड़ा जाए तो बंद हो। ये गाड़ी खरीदने वाले जब तक नहीं बंद होंगे तब तक ये बंद नहीं होगी। इसमें कुछ हमारे पुलिस के जवान सम्मिलित हैं, उनका नाम मैं बताना चाहूँगा कि दो तो हमारे सिपाही हैं जिनके खिलाफ़ मैंने मुकदमा लिखा है, आज ही उनको निलंबित करके गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। और एक सिपाही है आगरा चला गया है यहाँ से ट्रांसफ़र पे। तो ये 3 सिपाही हमारे हैं जो खरीदते थे, उनसे बरामदगी हुई है सिपाही के घरों से, और कुछ पत्रकारों को भी बेचा है इन्होंने। मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं समझता, लेकिन हम और आप दोनों मिले हुए हैं इस धंधे में। ये शर्म की बात है और ये चिंता का विषय है। तो मैं चाहूँगा इस पर लगाम लगे, जब तक खरीदारी नहीं रुकेगी मोटरसाइकिलों की तब तक चोरी नहीं रुकेगी। सिपाहियों के नाम सर? सिपाही हमारे एक सुरेंद्र सिंह हैं, अभी सस्पेंड हैं सिपाही जी हमारे। ये तेल की चोरी कर रहे थे तो उसमें मैंने सस्पेंड किया था। ये दूसरा कारनामा इनका निकला है, जो खोटा होता है हर जगह दिखाई पड़ता है। दूसरे प्रवीण हैं, तीसरे दलवीर हैं, आगरा चले गए हैं। तो बहुत बेरहमी से मैं कार्रवाई करूंगा इसमें, क्योंकि जब हम ही शरीक होंगे जुर्म में तो जुर्म कहाँ रुकेगा। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर, 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट राय रोड मथुरा।